नमस्कार, मैं विकास कुमार। आरजेडी के एक ट्वीट ने सियासी घमासान पैदा कर दिया है। आरजेडी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नीतीश बाबू ने बिहार के सारे बलात्कारी, हत्यारों व अपहरणकर्ता को पार्टी व सरकार में जगह दी है। दो पेशेवर गिरफ्तार अपराधी हेमंत और सौरभ ने जदयू नेता, कटिहार जदयू जिला अध्यक्ष सुनील गुप्ता पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, विकास झा नामक एक युवक की हत्या की इस नेता ने दी थी सुपारी। हमारे बगल में जो ट्वीट आप देख रहे हैं, ये आरजेडी फॉर इंडिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट के बाद पूरे सूबे में सियासी घमासान मच गया है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि चार मामलों में गिरफ्तार आरोपी ने क्या कहा था और क्या आरोप सुनील गुप्ता पर लगाए थे। पहले इस बयान को देखिए। मामला ये है सर, मैं सुनील गुप्ता के लिए काम करता था। कौन है सुनील गुप्ता? सुनील गुप्ता सर जेडीयू के 15 साल कटिहार जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका एक विवादित जमीन था सर कर्नल एकेडमी के पीछे, 34 एकड़ का प्लॉट। तो उसमें उन्होंने मुझे बोला, विकास झा एक थे ब्रोकर, उसमें वो एंटी थे, उसके उनके कब्जे में भी था वो। उन्होंने मुझे बोला यदि ये खाली हो जाएगा तो तुम्हें 5 एकड़ जमीन, और जब मैं बेचूंगा इस जमीन को तो 2 लाख रुपए इकट्ठा के रेट से तुम मुझे देना, बाकी पैसा तुम रखना। जिसका मेरे पास 15 आदमी के बीच में ये बात फैसला हुआ। लेकिन जब मैं परसों सुनील गुप्ता के पास गया तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि देखो विकास झा को तुम गोली मार दो, तुमको मैं 5 एकड़ जमीन दे देता हूँ, एक पैसा नहीं लूंगा। मैं बोला वो भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण, मैं हत्या नहीं करता हूँ। तो बोला फिर जमीन हम नहीं देंगे। अनंत सिंह का जो हाल नीतीश कुमार किया, तुम जानता है ना, मैं जेडीयू का आदमी हूँ। अनंत सिंह का जो हाल किया वही हाल तुम्हारा मैं करूंगा। चार मामलों में पकड़े गए हेमंत और सौरभ के इस बयान के बाद हमने सुनील गुप्ता जो जदयू के नेता है उनका भी पक्ष जानना चाहा। उन्होंने इस मामले से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि वो इन लोगों को नहीं जानते हैं। उन्होंने क्या कहा सुनिए इस बयान में। नहीं, ऐसा बात नहीं है, उसको हम पहचानते भी नहीं। हमारा सिपाही को 2-3 दिन से 4 दिन से बोल रहा था मालिक कहाँ गया, हम 3 बजे तक रहते हैं, 3 बजे तक चलते हैं। मालिक को बोलो 1 लाख रुपया देगा, नहीं तो गोली मार देगा। हाँ, 13-11 को हम केस दर्ज किया, हमारे कंप्लेन पर उसकी गिरफ्तारी भी। अच्छा, अब बचने के लिए कुछ बोले। आरोपी सौरभ के बयान पर आरजेडी जदयू पर हमलावर हो गई और इसको लेकर कल यानी 17 नवंबर को आरजेडी फॉर इंडिया के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया कि नीतीश बाबू अपनी सरकार में अपराधी, बलात्कारी और अपहरणकर्ता को जगह दी है सरकार और पार्टी में। इस ट्वीट के बाद होना क्या था, पूरे सूबे में सियासी घमासान मच गया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस के वरीय अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, और बचे भी क्यों ना, क्योंकि सवाल और आरोप सत्ताधारी दल के नेता पर लगे हैं। अब जरा इसे ऐसे देखिए कि अगर कोई आरोपी पकड़ा जाता है और वो अपने फर्द बयान में पुलिस को आपका नाम बताता है तो क्या पुलिस इतनी संजीदा और इतनी गंभीर होगी कि आपसे पूछताछ ना करे। जानकारी के मुताबिक इस मामले में जदयू नेता सुनील गुप्ता से अब तक पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की है। ये कहां तक लाजमी है और कहां तक न्याय संगत है, जरा सोचिएगा कि एक देश में 2 अलग अलग विधि विधान, एक जिले में 2 अलग अलग पुलिस के देखने के चश्मे क्यों हैं? आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।